फिजिक्स सॉल्यूशन, ये पार्ट थ्री है जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में पूछ तो क्या होता है। आपने YDS एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इसमें स्लिट होगी दो और यहाँ पर रहेगी स्क्रीन, ठीक है। तो हम एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको दो स्लिट के थ्रू पास करवाते हैं और स्क्रीन पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फ्रिंजेस मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करें तो किस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वो बताना है। तो देखो, जब आप व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करोगे तो जो सेंट्रल फ्रिंज है वो व्हाइट होगी, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। तो सेंट्रल वाली होगी व्हाइट और बाकी दोनों तरफ आप देखोगे तो आपको कलरफुल फ्रिंजेस मिलेंगी लाइक अ रेनबो, ठीक है। देर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर फ्रिंजेस, तो ये सही है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल ऑफ विड्थ, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है। तो बीटा कहीं ना कहीं वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा और आपको पता है कि हर एक वेवलेंथ की अलग अलग हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो हर कलर की अलग अलग बीटा भी होगी, मतलब फ्रिंज विड्थ होगी, तो इक्वल नहीं होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, जो ये फ्रिंजेस आप देख रहे हो ये अलग अलग विड्थ की बनेंगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एट एन इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, यानी कि एक्स हमें गिवन है 2t-1 और जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन, तो पूछा है कि पावर कितनी होगी। एक्चुअली पावर होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो फोर्स तो हमें 5 पता है, वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी के लिए आपको dx अपॉन dt करना होगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन, तो d अपॉन dt यहाँ पर आ जाएगा 2t-1, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, t का डिफ्रेंशिएशन 1 रहेगा और 1 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो v आ जाएगा 2। तो पावर इक्वल टू होगा 5, फोर्स है इंटू में स्पीड कितनी 2, तो ये आ जाएगा 10, जो भी यूनिट होगी, तो इट विल बी 10 आएगा मैग्नीट्यूड, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें ये क्वाड्रेंट गिवन है, पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करनी है। फॉर अ सोलर सेल द आईवी करेक्टरिस्टिक लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इन द गिवन ग्राफ, तो ये बिल्कुल सही है। आप देखोगे अगर एक सोलर सर्किट को, सोलर पैनल का जो आईवी करेक्टरिस्टिक होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है और ये ओपन सर्किट करंट है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बिल्कुल सही है। बी, इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, नहीं, रिवर्स बायस में जो करंट होगा वो उसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो सॉरी जो रिवर्स बायस में होगा वो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होगा, ना कि मेजोरिटी की वजह से, माइनॉरिटी की वजह से होगा और करंट माइक्रो एम्पियर में ही मेजर किया जाता है, ये बात ठीक है, लेकिन मेजोरिटी की जगह यहाँ आएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। ए सही है और बी गलत है, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा 23 का वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, टू बॉडी ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोस कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। अब कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब है कि अगर दो बॉडी अलग अलग होंगी पहले, तो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, ठीक है, चिपक जाएंगी एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अब बोला है द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी वी वन और जो बॉडी बी है वो बिफोर कोलिजन रेस्ट पर थी। आपको बताना द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज वी टू, लेट जब ये दोनों अटैच हो गए तो वेलोसिटी कितनी होगी, वी टू हो गई। तो आपको बताना है वी टू वी वन अपॉन वी टू कितना होगा, ये हमें रेशियो फाइंड करना है वी वन अपॉन वी टू। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई करेंगे, इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। अब बी ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट पर है, मोमेंटम का फॉर्मूला मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो बी इनिशियल सिर्फ आएगा, मोमेंटम जो होगा ए की वजह से होगा और इसका जो मास है लेट वो सेम मास है, तो एम इसका भी मास होगा, एम इसका भी मास होगा,
एम इंटू वी वन प्लस जीरो, क्योंकि बी का मोमेंटम कितना, जीरो। ये फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनली जो मास होगा वो एम प्लस एम हो जाएगा, इसका मतलब 2m। तो टोटल मास यानी कि 2m और नेट वेलोसिटी कितनी है बाद में, वी टू। तो आप यहाँ से देखो एम वी वन इक्वल टू आ गया 2m वी टू के, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी वन अपॉन वी टू। तो यहीं से हम लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू आ जाएगा 2m अपॉन m, एम से एम कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 2। यानी कि जो रेशियो होगा वी वन रेशियो वी टू तो वो कितना आ जाएगा, 2:1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होगा। अ लाइट रे एंटर्स थ्रू अ लाइट एंगल राइट एंगल प्रिज्म एट पी विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। इफ इट ट्रेवल्स प्रिज्म पैरेलल टू बेस बी सी एंड एमर्जेस अलोंग द फेस ए सी, तो आपको बताना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना होगा। देखो यहाँ से लाइट एंटर करी, फिर ये पैरेलल जा रही है, उसके बाद यहाँ पर हो गई ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जब लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही हो तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक डेंसर मीडियम से वो रेयर में चले जाए, दूसरा हो सकता है TIR जो मेन टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की लाइट जा करके वापस उसी मीडियम में आ जाए। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो 90 एंगल पर ग्रेज करे। ठीक है, तो ये है ग्रेजिंग जो कि इस टॉप जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम यूज करेंगे। यहाँ पर हो रहा है TIR क्योंकि जो लाइट यहाँ से गई है वापस उसी मीडियम में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेजिंग का मतलब वो अलोंग दी सरफेस मूव कर रही है। अब ऐसा कब होगा, तो देखो TIR होने की कंडीशन है कि जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब TIR होता है। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तब होती है ग्रेजिंग। ठीक है, और अन्यथा के केस में ये बाहर जाएगी। तो ग्रेजिंग यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है ये जो इस सरफेस के लिए जो इंसिडेंस एंगल होगा लेट मैं उसको R2 लिख रहा हूँ, तो जो R2 होगा वो इक्वल होगा क्रिटिकल एंगल के। क्रिटिकल एंगल क्या मतलब, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल होता है जिस पर कि जो लाइट है वो ना तो बाहर मीडियम में जाए ना दूसरे मीडियम में वापस आए, सिर्फ सरफेस के अलोंग ग्रेज करे, तो उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इंसिडेंस एंगल होगा एसी के लिए वो एक तरह से R2 होगा और मैं उसको सी लिख रहा हूँ। देखो ये मैं मान रहा हूँ R1 जो कि पहले रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से रिफ्रैक्शन एंगल R1, यहाँ पर इंसिडेंस होगा तो मैंने उसको R2 लिखा और R2 सी के इक्वल होगा, सी मतलब क्रिटिकल एंगल। अब प्रिज्म के अंदर एक रिलेशन होता है कि R1 प्लस R2 हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। R1 को R1 रहने देते हैं, जो R2 है हमारा वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो रहा है क्योंकि ग्रेजिंग यहाँ पर हो रही है। तो R1 प्लस C क्या हो गया, A के इक्वल। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो R1 प्लस C इक्वल टू कितना हो गया, 90। मैं इसका यूज करूँगा, बताऊँगा क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ। अब एक फॉर्मूला भी होता है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन में साइन क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्रिटिकल एंगल। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी यूज करूँगा कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा इस प्रिज्म का, लेट प्रिज्म ग्लास से बना है, तो वो होगा 1 अपॉन में साइन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, साइन क्रिटिकल एंगल मतलब साइन सी। हमें पता है कि म्यू इक्वल टू हमेशा कितना होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। अब यही चीज़ मैं इस वाले सरफेस के लिए जो हमारा ये एसी सरफेस है इसके लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा गिलास का विद रिस्पेक्ट टू एयर वो किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर लाइट रे गिलास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू गिलास, तो ये रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल, साइन आई अपॉन साइन आर। देखो इस सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल क्या है, इंसिडेंस एंगल है R2 साइन R2 अपॉन में साइन। रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, तो रिफ्लेक्शन एंगल अगर आप देखो दूसरे मीडियम में ये कितना है, ये है 90। ठीक है, और ये हो गया म्यू ए जी। लेकिन एक और चीज़ है,
कि साइन आर टू को मैंने आपको क्या बताया, आर टू इज इक्वल टू सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन सी अपॉन में साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो म्यू ए जी इक्वल टू कितना आ गया, साइन सी। ये जो फॉर्मूला बना है म्यू जी, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये इसी का रेसिप्रोकल है। मतलब आप इसको ऐसे भी ला सकते थे अगर आपको ये नहीं पता कि म्यू इक्वल टू 1/sin AC होता है। अब यही चीज़ मैं अप्लाई करूंगा, ये कंसेप्ट अप्लाई करूंगा मैं ए बी सरफेस पर। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि ए म्यू जी 1/sin C के इक्वल क्यों है। एक्चुअली आप ये भी पता होगा कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमेशा इक्वल होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है। अब यही स्नेल्स लॉ मैं अप्लाई करूंगा ए बी सरफेस के लिए। तो ए बी सरफेस के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू होगा साइन आई मतलब साइन 30 डिग्री, और अपॉन में साइन रिफ्रैक्शन एंगल कितना है यहाँ पर, R1, ये हो गया R1। ठीक है, तो ए म्यू जी को मैं लिख रहा हूँ साइन 30 अपॉन साइन R1। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 साइन R1। यहाँ पर ये देखो मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू मैंने लिखी 1/2 अब इंटू में साइन R1। ठीक है, साइन R1, क्या मैं यहाँ से R1 को लिख सकता हूँ 90 माइनस C, तो मैं लिख रहा हूँ साइन R1 की जगह पर 90 माइनस C। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन C में हमें रिलेशन पता है साइन C बराबर है 1/μ के। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1/2 sin 90 माइनस C आ जाएगा ये। अब इसको आप लिख सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/2 sin 90 माइनस थीटा। क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, होता है cos थीटा, यानी कि ये आ गया cos C। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि sin²θ प्लस cos²θ हमेशा 1 के इक्वल होता है। मुझे म्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर cos C को sin C के टर्म में रिप्लेस करूंगा, तो वो हम लिख सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/2 cos इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस sin²C। ठीक है, यहाँ से देखो ये sin²θ प्लस cos²θ 1 होता है, तो cos²θ कितना हो जाएगा 1 माइनस sin²θ, और cos थीटा क्या आ जाएगा, उसके लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो cos C को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट 1 माइनस sin²C। हमें पता है sin²C की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस आइडेंटिटी से। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में एयर नहीं बार बार लिख रहा हूँ, उसका मतलब एयर ही होगा 1/2। तो आप ये देखो ये 1 माइनस sin²C, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस sin²C की वैल्यू आप यहाँ से निकालो तो 1/μ के इक्वल होगी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/μ का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, म्यू 1/μ का स्क्वायर, कैसे, म्यू इक्वल टू 1/sin C है, तो sin C को इधर लाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो sin C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/μ। वही मैंने sin C की वैल्यू यहाँ पर लिख ली 1/μ। हमें निकालना है म्यू, ये वही है म्यू मतलब म्यू जी। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टी, या तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेसिकली अब हमें इस इक्वेशन को म्यू के लिए सॉल्व करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 को यहीं पर रहने दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब करो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई में ये आएगा स्क्वायर 1 माइनस 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया है। हम देखो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर करोगे तो 1 इक्वल टू 1/4, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 + 1, या फिर इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना जाएगा 4 नीचे और ऊपर 5, 4 + 1, तो म्यू जी इक्वल टू आ गया 5/4, और यहाँ पर है स्क्वायर। अब टेक रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा √5/√4, और √4 का आप 2 भी ले सकते हैं, तो ये आएगा √5/2। तो करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन सेकंड, √5/4। जल्दबाजी में आप √5/4 मत करना, √5/2 आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जैसे कोई
वाई ए एक्स एक्सिस है, तो लेट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन अगर है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हो गया ग्राफ, ये होगा सी मतलब कि इंटरसेप्ट कहाँ पर हो रहा है इस स्ट्रेट लाइन का, एम होगा स्लोप। अब यहाँ पर देखते हैं तो एक्स का जो भी कॉन्स्टेंट कोफिशेंट होगा उसको हम स्लोप कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो करना है वन अपॉन लैम्डा का स्क्वायर और ई में, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, जो वेवलेंथ होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, और आपने ये भी पढ़ा होगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम बराबर होता है एनर्जी के, तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू कितना रूट टू एम इंटू में ई। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी तो ठीक है, लेकिन पी की जगह पर मैं लिखूंगा टू एम ई। अब आप ये देखो कि हमें वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर लेना है, तो क्यों ना आप इसको इस तरफ ले जाएं, या पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन में टू एम ई। तो अब ई को इस तरफ ले जाओ, ध्यान रखना हमें इस तरह की इक्वेशन बनानी है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई एक्सिस पर क्या है वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर को मैं अकेला रखूंगा, तो ये हो जाएगा टू एम अपॉन में एच का स्क्वायर और ई जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पर आएगा वन अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा है, लैम्डा स्क्वायर नीचे ले आओ, एच स्क्वायर यहाँ आएगा टू एम ई, तो इसको आप यहाँ से देखो ये हो गया वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया टू एम अपॉन में एच स्क्वायर, तो अगर इसको मैं कंपेयर करूँ या पहले मैं इसको रिराइट कर लेता हूँ, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू एम अपॉन में एच का स्क्वायर इंटू में ई। अब आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो ये हो गया वाई, ये हो गया एम और ये हो गया एक्स, इसमें इंटरसेप्ट कहीं पर हो ही नहीं रहा है, तो इंटरसेप्ट हो गया जीरो, यानी कि जो वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक तरह से ये हो गया वाई और एनर्जी हो गया एक्स, तो ये हो गया उसके स्लोप। तो ये जो वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ई के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन सब में कहाँ पर है, ऑप्शन फोर में, वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो रहेगा एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आपको बताना द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दिस ऑफ सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल एक तरह का एंगल होगा, तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो स्ट्रेन और एंगल ये दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो इन दोनों का डायमेंशन नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। जबकि स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, आर्क का डायमेंशन होता है, एंगुलर स्पीड का भी डायमेंशन होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एन अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर एंगल, तो क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रिस्टर एंगल क्या होता है, तो ये कैसा एंगल होता है, जब मैं पहले रिलेशन बताता हूँ, म्यू इक्वल टू टेन आई पी होता है, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेन आई पी, तो पोलराइज सॉरी ब्रिस्टर एंगल को हम पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, ये वो एंगल होता है जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, और ऐसे में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है आप देखोगे यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो है बी सी, तो ये रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज लाइट है, और जो रिफ्रैक्टेड है वो है बी डी, ये है पार्शली पोलराइज्ड, ठीक है, या इसको हम अनपोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब कोई लाइट ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजिंग एंगल जिसको हम ब्रिस्टर एंगल भी कहते हैं पर इंसिडेंट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये भी पूछा जाता है। दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि बी सी वो तो पोलराइज लाइट हो गई, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अनपोलराइज लाइट है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रिफ्लेक्टेड पोलराइज होगी और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अनपोलराइज रहेगी। तो आप इसमें ऑप्शन फोर देखें, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्सली पोलराइज, तो इसमें यही आंसर फोर्थ बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था ब्रिस्टर एंगल क्या होता है, पोलराइजिंग एंगल, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम एट विच पार्शियल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, देखो कम्प्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, और इसलिए जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो पार्शली पोलराइज होगी।
क्वेश्चन नंबर 29, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रोड इज 2400. आपको बताना है द लेंथ ऑफ 400 ग्राम कितनी होगी. अब सिंपल यहाँ पर पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए. अगर कोई रोड है और कोई एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर अपॉन में 12. और यहाँ पर हमें मास तो पता है लेकिन लेंथ फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. मास है 400 ग्राम, तो मैं चेंज नहीं करूँगा इसको, सेम यूनिट में रखेंगे और लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आ जाएगी. तो देखो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल होगा, अब लेंथ निकालनी है. तो एल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2400 इंटू में 12 अपॉन में 400. अब अगर आप ये देखो तो 00 से 00 काट देते हैं, 4 थिया कितना होता है 12. तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 24 इंटू में 3. तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 इंटू में 3. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 का अगर फैक्टर करो तो 6 इंटू 4 इंटू 3 और एल इक्वल टू ये आ गया कितना, 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3. तो यहाँ पर देखो 3 और 4 है तो ये तो बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 तो बाहर आएगा 3, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा बाहर और अंदर में बचेगा खाली कितना 2. तो ये हो गया 3 × 6 इंटू में 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू तो हमें पता होती है 1.414 होती है. तो अगर आप 6 की 1.414 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.484, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 8.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 30, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर. इफ द सरफेस टेंशन इज 0.07, तो हमें बताना है कि एक्सेस फोर्स कितनी होगी इसको रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस. तो पहले एक मान लीजिए कि यहाँ पर सरफेस ऑफ वाटर है और थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस हमें गिवन है 4.5, आर है 4.5 सेंटीमीटर और जो सरफेस टेंशन है इट इज़ 0.07 न्यूटन पर मीटर. तो इसको भी हमें ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4.5 अपॉन में 10, सॉरी 100 मीटर में आ जाएगा ये. तो आपको बताना है कि एक्सेस फोर्स कितनी होगी. अब आपको पता है सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ. तो यहाँ पर हमें निकालना है फोर्स, क्योंकि सरफेस टेंशन तो आपको पता है सरफेस टेंशन वो हो जाएगी फोर्स इंटू में लेंथ. अब लेंथ क्या लेंगे, हम लेंगे लेंथ इसकी सरकमफ्रेंस यानी कि जो होगा 2π इंटू में r. तो फोर्स विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन ST इंटू में लेंथ को हम लिखेंगे 2πr. अब जो जो पता है वो सब लिख लेते हैं. सरफेस टेंशन कितनी है वो हमें पता है कि वो है 0.07 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस हमें गिवन है 4.5 अपॉन में 100. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये आएगा फोर्स 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या आप इसको 19.8 मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं. तो 19.8 मिली न्यूटन यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा.